हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडियम। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू टमाटर की सब्जी, जो बिल्कुल भंडारे वाले आलूओं की तरह बनेगी। तो हम इसे भंडारे वाले आलू भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। भंडारे के आलू बनाने के लिए यहाँ मैं एक कढ़ाई ली है मैंने। अब मैं उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। अब हम इसे गरम होने के लिए रखेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम सबसे पहले डालेंगे तेजपत्ता। यहाँ मैं 2 तेजपत्ते डाले हैं मैंने, 1 बड़ी इलायची, 1 लाल मिर्च, 1 साथ में ही हम यहाँ डालेंगे जीरा। अब मैं यहाँ डालूंगी, यहाँ मैं थोड़ा सा अदरक कूट लिया है, उसको डाला है मैंने। और साथ में ही डालेंगे हम यहाँ हरी मिर्च। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चों को बीच से कट कर लिया है। अब साथ में ही डालेंगे हम यहाँ पर टमाटर। अब हम यहाँ डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इन्हें। अब हम यहाँ डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा हींग। अच्छे से टमाटरों को हम मैश होने का वेट करेंगे। आप यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं, ग्रेवी बनाकर डाल सकते हैं टमाटर की, मगर हम भंडारे वाले बना रहे हैं तो उसमें इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर कर ही डालते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से ढककर रख देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए। अब हम टमाटरों को चेक कर लेते हैं। हमारे टमाटर भी कुछ सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे ये आलू। ये मैंने आलूओं को उबाल कर उनको अच्छे से मैश कर लिया था। ये हम एक बार इनके अंदर मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। यहाँ मैंने पानी को उबाल लिया है। यहाँ पे लगभग मैं 2.5 ग्लास पानी डालूंगी। पानी को उबाल कर ही डालें, ठंडा ना डालें, इससे जो स्वाद है, ठंडा डालने से स्वाद खराब हो जाएगा। तो उबाल कर ही हम यहाँ इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अभी हम इसमें 1 ग्लास पानी और डाल देंगे। अब हम इसको पहले एक उबाल आने का वेट करेंगे, एक उबाल लगाएंगे पहले इसमें।
इसमें एक उबाल आने लगा है। अब हम इसे फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम ढककर 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने देंगे। अब हम एक बार आलूओं को चेक कर लेंगे। ये हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, अब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसकी जो थिकनेस है वो इतनी ही रखेंगे और नहीं पकाएंगे इसे, क्योंकि बिल्कुल इसकी ग्रेवी ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उतनी उतनी गाढ़ी होती जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना सुंदर कलर आया है इसका। अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। ये देखिए ये हमारी भंडारे वाले आलू की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसकी ग्रेवी। ये देखिए अच्छी सी ग्रेवी आई है इसकी। आप इसे बनाएं, आप इसे रोटी, चावल, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। Thank you.